महाराज पंचवटी कंपनी की अनारदाना की छोटी डिब्बी प्राप्त करे हैं, और एक इच्छा थी कि टोपी में भी महाराज कोई ऐसी वस्तु हो, ऐसी टोपी हो जो शरीर को लाभप्रद हो, कुछ गुणकारी हो। तो ये 5 रुपये की महाराज 10 ग्राम की ये छोटी सी डब्बी पंचवटी अनारदाना गोली कर कर के आप देखें इसकी सामग्री, इसके घटक, इसके इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं। हालांकि उनके अक्षर इतने छोटे हैं कि मुझे लगता है कि किसी माइक्रोस्कोप से देख करके इसको पढ़ सकते हैं, अन्यथा इसको पढ़ना संभव नहीं है। मैंने बड़ा प्रयास किया परंतु पढ़ ना पाया। तो आप देख लें इस प्रकार की डिब्बी है, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि एक खाएं उसके बाद बंद कर दें, दूसरी खाएं बंद कर दें, ऐसी पैकेट वाली नहीं है, अंदर से सील बंद है, इसका मतलब ठीक है और एक्सपायरी भी अभी लेट है और अच्छा निकलेगी ऐसा अनुमान है। अब देखते हैं अंदर। महाराज जो अनुमान था गलत था, अंदर ऐसा लगता है शिला भी आ गई है, शीलन आ गई है। आप देखें कोई भी गोली नीचे गिरने को तैयार नहीं, जो गोली हैं वो सभी गीली हैं, जो इसमें अंदर छोटी छोटी वटी हैं वो गीली हैं, और मुझे लगता है ये मुश्किल निकलेंगी। उंगली से इनको हिला करके निकालने का प्रयास करता हूँ, एक बार निकल जाएं तो जो है स्वाद का पता चल जाएगा कैसी है, तो फाइनल हो जाएगी बात। एक निकल गई, इसी को जो है चक करके देखते हैं किसकी है ये। महाराज बिल्कुल साफ कहूँगा, अगर ये सूखी होती और मैंने पहले भी ये खाई है तो ये उस तरह की नहीं है जैसी ये होती है। ये धूप के कारण या गर्मी के कारण अंदर इसमें जो चीनी मिलाते हैं वो पिघल करके गीला कर गई है, और गीला जब हो गया है तो सारा स्वाद इसका जो है वो ख़राब हो गया है। अगर ये सही होती सर्दियों के समय में होती बड़ा आनंद देती। तो इस प्रकार का इसका रिव्यू है। धन्यवाद।